नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की। जी हाँ, महाकुंभ का मेला चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वहीं एक महाभर्ती निकल कर आई है 5419 पदों के लिए। जी हाँ दोस्तों, शुल्क है इसका 400 रुपये और 3 पदों की भर्ती है, आरक्षी, घुड़सवार, जेल वार्डर और फायरमैन की। इन तीनों पोस्ट की भर्ती निकली है कुल 5419 पोस्ट के लिए, सीट के लिए। ठीक है, अब हम लेकर चलेंगे इसकी आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे सारी जानकारी देंगे कि इसकी आयु सीमा क्या है, वेतनमान क्या है और योग्यता क्या है, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, और साथ ही साथ इसको इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। इन सब के बारे में सारा डिटेल देंगे आपको इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों तक, ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सकें। चलिए हम लेकर चलते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी दबा लें, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों इससे पहले मैंने कल जिला कैमूर को लेकर, बिहार के जिला कैमूर को लेकर एक अपडेट दिया था, उस अपडेट को भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो अब लेकर चलते हैं इसकी सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर इस भर्ती के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों आप जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पाओगे, यहां पे नीचे ये देखिए, मैं आपको इसकी लिंक दिखला देता हूं। सबसे पहले तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा फायरमैन पदों की भर्ती, इसका लिंक है, ये रेड कलर में है। और ये जो कारागार आपका है, घुड़सवार और कारागार के लिए, ये यहाँ पे है सुधार मिशन, सुधार विभाग तथा पुरुष महिलाओं के लिए जेल वार्डर, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के आरक्षी, घुड़सवार पुलिस के पदों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लिंक ये दिया हुआ है, इन तीनों पोस्ट के लिए ये दोनों लिंक ही आपके काम आएंगे। तो उससे पहले देखिए, किसी भी भर्ती को भरने से पहले उसका नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना होता है। ठीक है, तो देखो नोटिफिकेशन पढ़ने से पहले मैं आपको जो ऑफिशियल न्यूज जिसके हिंदुस्तान खबर में निकली थी, वहां से भी आपको मैं पुष्टि कर देता हूं। तो चलिए सबसे पहले ये जरूरी है, देखिए ये हिंदुस्तान खबर की एक न्यूज़ निकली है कि देखिए, यूपी पुलिस में 5419 की बंपर भर्तियां हैं, जिसमें भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और इनमें जेल वार्डर, फायरमैन और आरक्षी, घुड़सवार के शामिल होंगे। घुड़सवार जो होंगे और फायरमैन के लिए सिर्फ पुरुष ही आवेदन कर सकेंगे, और जहाँ पर आपके इसके लिए जेल वार्डर के लिए महिलाओं के लिए भी आमंत्रण दिया गया है। वहीं पर बात कर लें जस्ट टोटल वैकेंसी की, तो देखो जेल वार्डन के लिए यहाँ पे निकला है 3638 पदों की भर्ती, फायरमैन के लिए 1679 पदों की भर्ती और आरक्षी, घुड़सवार जो है 102 पदों की भर्ती, यानी कि कुल मिलाकर 5419 पदों की यहाँ पर भर्ती निकली हुई है। और ये इसकी योग्यता जो है, आपको किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से या बोर्ड से 12वीं परीक्षा पास होना अनिवार्य है, यानी कि 12th बेस्ड जॉब है, 12th एटलीस्ट पास होना चाहिए आपका। और वेतन जो है आपका 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक, यानी कि जो आपका TADA बनेगा उसके साथ साथ मिलकर आपकी जो सैलरी होगी लगभग 70,000 के आसपास बन सकेगी। आयु सीमा की अगर हम बात कर लें मित्रों, तो आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक के अधीन होगी, यानी कि 22 वर्ष से ज़्यादा आपकी एज हुई तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 18 से लेकर 25 साल के एज वाले कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो उन सभी के लिए अच्छा मौका है। देखिए 22 साल तक अगर जो भी है कैंडिडेट, वो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। अगर बात कर ले महिलाओं की, तो उनको 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। आवेदन की शुल्क जो है सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को 400 रुपये देनी होगी, ये अनिवार्य है। और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है, जो कि आपको मैं ये लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से जाके आप भर सकते हैं दिनांक 9 फरवरी 2019 तक। जी हाँ, डेट याद रखिएगा, 9 फरवरी है अंतिम तिथि, इसलिए इस फॉर्म को भरने से पहले कुछ भी अगर करना है तो आपको 9 फरवरी से पहले इस फॉर्म को भर लेना होगा। चलिए दोस्तों, तो ये जानकारी थी एक शॉर्ट में, पर मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे इसके लिंक में आपको अप्लाई करने का बताया गया है। चलिए सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश फायरमैन जो निकला है पदों की भर्ती, उसको देखता हूँ। तो जैसे ही इस रेड वाले पे क्लिक करूँगा, ये आपको उस पेज पे ले आएगा जहाँ से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए उससे पहले अगर आपको इसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो ये ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और देखिए आपको बता दें कि ये 9 फरवरी तक 11:55 तक इसका फॉर्म है भरने का अंतिम
टिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देता हूँ मैं, यहाँ पे सबसे पहले क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, और फिर उसके बाद रजिस्टर हो जाओगे तो वही आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करके आपको सारा अपना डिटेल भरना होगा, एड्रेस से लेकर आपके क्वालिफिकेशन डिटेल तक, ठीक है। और सारी चीज़ें इसमें मांगी जाएंगी आपसे, आपका हाइट, एज और चेस्ट वेस्ट सब मांगा जाएगा इसमें। चलिए तो ये रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सारी प्रोसेस बताई गई है कि क्या क्या करना है, इंस्ट्रक्शन है ये एक तरह से, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को पढ़ कर क्लोज कर लीजिए यहाँ पे और इस रजिस्ट्रेशन को भर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट का मिडिल नेम और लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम क्या है वो भर लेना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है अपना कन्फर्म कर लीजिएगा कि आप ही का हो, किसी भी साइबर कैफे वाले का ना होना चाहिए, ठीक है। अब ये सारी प्रोसेस करके आप जनरेट ओटीपी करोगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, जैसे कि आप उसको फिर से लॉगिन करने के लिए होगा, ठीक है। मोबाइल का वेरिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि उसी मोबाइल पे आपको सारे मैसेजेस वगैरह आएंगे और आपको वहीं से जो आपका मैसेज होगा रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का, वो आपको मोबाइल पे ही आएगा और ईमेल पे ही आएगा, इसलिए अपना ही दें। चलिए ये तो हो गई बातें आपकी इस फॉर्म को भरने की, अब यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा और सारा अपना क्वालिफिकेशन डिटेल डालिएगा यहाँ पे, और फोटो वगैरह सब डालना है, और डालने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अप्लाई करने के लिए प्रोसेस भी पहले बताई गई है, तो इसको, इस वीडियो को भी डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। कोई भी इसके बाद कोई डाउट आता है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे आप सभी का, ठीक है। तो ये हो गया आपका फायरमैन का। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो जेल वार्डन यानी कि कारागार प्रशासन और सुधार विभाग में पुरुषों और महिलाओं के लिए जो जेल वार्डन की पद, ये आपकी पोस्ट है उसके लिए, और साथ साथ घुड़सवार पुलिस पदों की भर्ती के लिए, तो इसकी सीधी भर्ती है दोस्तों, यहाँ पे इस पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफ जेल वार्डन एंड कॉन्स्टेबल माउंटेड पुलिस, तो यहाँ पे भी दिया है आपका, इस लिंक को क्लिक कीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट है, इसे भी अच्छे से पढ़िएगा आप लोग कि इसके बारे में सारा डिटेल दिया गया है, क्या आपका वेतन होगा, क्या आपकी हाइट होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद ये इसका भी देखिए डेट आपको 9 फरवरी है अंतिम तिथि, तो इस फॉर्म को भी जरूर भरने की कोशिश कीजिएगा, आपको बता दें। और साथ ही साथ ये देखिए रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन करना है इस पोस्ट को भी भरने के लिए, ठीक है। अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने होंगे अगर तीनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। जो पुरुष कैंडिडेट है वो तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पे जेल वार्डन वाला ही पोस्ट रखा गया है। फिर उसके बाद आप क्लिक किया टू लॉगिन करके आप यहाँ पे सारा प्रोसेस आगे का कर सकते हैं, जो कि आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है उसको भी भर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ थी ये आपको पहुँचानी थी हमें अपने चैनल के माध्यम से, ताकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पूछ रहे थे कि सर क्या बिहार से हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं क्या, तो जी हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे आमंत्रण किया गया है, तो किसी भी स्टेट से हैं, चाहे बिहार से हैं, झारखंड से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं या हिमाचल प्रदेश से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, आप जाकर यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी जो क्वालिफिकेशन और आपका जो एज यहाँ पे क्राइटेरिया जो रखी गई है कि इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना सेंटीमीटर ये होना चाहिए, सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, तो ये सभी पढ़ने के बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा 400 रुपये आपके बर्बाद भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरते समय थोड़ा सा निर्देश का ध्यान दीजिएगा, क्या गलती नहीं करें ताकि आपके पैसे ना बर्बाद हो और टाइम भी ना बर्बाद हो, ठीक है। तो यही आशा करते हैं कि आप सभी से इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, और कुछ भी गलती हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो संपर्क कीजिएगा। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि अगर आप लोग कहिएगा तो यूपी पुलिस के लिए जो GKGS पूछे जाते हैं उसकी क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट कम से कम 50 कमेंट तो होने चाहिए यार, कि मतलब आप लोग स्टार्ट करो, तो हम लोग कुछ कोशिश करेंगे इसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट हैं इसके लिए एप्लीकेबल वो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मैं भर रहा हूँ, तो आप तैयारी जरूर करवाएं, तो हम लोग उसके लिए सपोर्ट करेंगे जरूर, ठीक है। और जो भी अगर आपको कोई चीज़ें
नोट्स वगैरह चाहिए तो हम लोग अपने एजुकेशन की एट सिक्स के टेलीग्राम चैनल पे भी सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। तो जीके जीएस एटलीस्ट तो आपको दे ही सकते हैं नोट्स जितने भी होंगे यहाँ पे यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। बाकी रही मैथमेटिक्स और रीजनिंग की, तो वो कमेंट के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आप लोग कितना से ज़्यादा कमेंट करते हैं इस पोस्ट को भरने के बाद अब पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ यहाँ बने रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।